उन्होंने आना हो तो आए, नहीं आना है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी टीम जो है वहाँ कितना सिक्योर फील करेगी वो मैं जानता नहीं। भारतीय क्रिकेट जो है वो बिना पाकिस्तान की क्रिकेट के चल सकती है। पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है भारत की क्रिकेट की ज़रूरत। उम्मीद करते हैं कि इस बार परिणाम जो है वो डिफरेंट होंगे, टीम इंडिया वहाँ से जीत के आएगी। ये बात तो पक्की है कि टीम इंडिया को नहीं वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के चलते हुए ये थोड़ा सा ये जहन में रख के चलना होगा कि हमारी टीम जो है वहाँ कितना सिक्योर फील करेगी वो मैं जानता नहीं हूँ। बट आई फील स्थिति भी ऐसी नहीं है वहाँ पे कि जाके जहाँ पे आप सिक्योर फील करो। और आई फील कि उन्होंने आना हो तो आए, नहीं आना है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो भारतीय क्रिकेट जो है वो बिना पाकिस्तान की क्रिकेट के चल सकती है। पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है भारत की क्रिकेट की ज़रूरत हो, लेकिन इंडियन क्रिकेट को पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़रूरत नहीं है चलाने की। जितनी बार टीम इंडिया मैदान पे उतरती है हम सबको उम्मीद होती है कि वो हर मैच हर पहलू वो जीत के आएँ, और इस बार भी वही उम्मीदें जो है वो टिकी हुई है टीम इंडिया के ऊपर। और उम्मीद करते हैं कि इस बार परिणाम जो है वो डिफरेंट होंगे, टीम इंडिया वहाँ से जीत के आएगी। और कोहली का भी अभी शतक आया है, वो अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। आई फील कि चांस अच्छा है, अगर वहाँ पे जाके टीम इंडिया ने 400 रन बना दिए तो मुझे लगता है फिर इंडियन टीम के पास वो बॉलर ज़रूर हैं जो विकेट दिला के मैच जिता सकते हैं। बुमराह तो देखिए बुमराह है, बुमराह के बिना तो उनकी कमी तो खलेगी, पर मोहम्मद शामी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, उनके साथ आप देखें तो तीसरे बॉलर शार्दुल ठाकुर एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया था। तो दीपक चाहर भी एक ऐसे बॉलर है जो इंग्लैंड में अच्छा कर सकते हैं। तो तीसरा बॉलर जो है वो तलाशना होगा, क्योंकि कौन होंगे वो फास्ट बॉलर तीसरे। उमेश यादव हैं, तो बॉलिंग है भारत के पास, फास्ट बॉलिंग अच्छी है। हमारे स्पिनर जो हैं वो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, जड्डू आर अश्विन दोनों खेल चुके हैं, बट वहाँ मुझे लगता है दोनों में से एक ही खेले हैं। तो बॉलिंग है इंडिया के पास, बट बुमराह नहीं है, वो तो उनकी कमी तो जो है वो खलेगी। बट उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शामी जो है वो काम जो है वो तमाम कर देंगे बाकी।